ओ मेरे बाके बिहारी मोपे कृपा मेरे बाके बिहारी मोपे कृपा करो 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 मेरे कुंज बिहारी मोपे कृपा करो मेरे कुंज बिहारी मोपे कृपा करो मेरे कुंज बिहारी मोपे कृपा मेरे कुंज बिहारी मोपे कृपा करो कृपा करो प्यारे 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 कृपा करो मेरे बाके बिहारी मोपे कृपा करो मेरे बाके बिहारी मोपे कृपा करो मेरे रमण बिहारी मोपे कृपा करो मेरे रमण बिहारी मोपे कृपा करो कृपा करो प्यारे 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 कृपा करो मेरे मेरे रमण बिहारी मोपे कृपा करो मेरे बाके बिहारी मोपे कृपा करो मेरे बाके बिहारी मोपे कृपा करो मेरे कुंज बिहारी मोपे कृपा करो मेरे कुंज बिहारी मोपे कृपा करो प्रार्थना कर रहा है ठाकुर की जैसे सुन ही ना रहा इसे भक्त को भी जरा ये बात खल जाती है। कहता है या तो गोविंद गोविंद तो इस पापी के पाप मिटा दीजिए नाथ शायद इसीलिए नहीं मिलना चाहते या तो इस पापी के पाप मिटा दीजिए नाथ या तो बुरी संगत से मन मोड़ दीजिए या तो बुरी संगत से मन मोड़ दीजिए या तो दूर ही से हाथ जोड़ दीजिए मुझे दूर से ही हाथ जोड़ दो भाई तेरे पाप इतने हैं मेरे बस में नहीं इनका निवारण मेरे नहीं होगा नो प्रॉब्लम सर अपने यहाँ 33 करोड़ देवता हैं अपनी बात किसी और से मनवा लेंगे लेकिन आप दूर से हाथ जोड़ के कह तो दो कभी तेरा काम मेरे से होने वाला नहीं या तो दूर ही से हाथ जोड़ दीजिए मुझे भी या तो पापियों की पंक्ति में ही जोड़ दीजिए या तो पापियों की पंक्ति में ही जोड़ दीजिए या तो भंडाफोड़ दीजिए दयालुता का
है दयालु तू का नकाब ओढ़े हुए है। वो कहते हैं ना ऊंची दुकान फीके पकवान, या तो भंडा फो दीजिए दयालुता का, या तो मेरा अंतकरण शुद्ध कर दीजिए, या तो मेरा अंतकरण शुद्ध कर दीजिए, या तो बिंदु तोड़ दीजिए भवबंधन को, या तो बिंदु तोड़ दीजिए भवबंधन को, या तो अपना नाम दीन बंधु छोड़ दीजिए, या तो अपना नाम दीन बंधु छोड़ दीजिए, या तो अपना नाम दीन बंधु छोड़ दीजिए। फिर कह रहा हूं सरकार, अकेले 100% तुम नहीं हो, हाँ हम दीन हैं तभी तो आप बंधु हो। दीन बंधु का मतलब अगर हम दीन ही ना हो फिर कहां के तुम बंधु, इसलिए दोनों 50-50 हैं, याद रखना। इसलिए अब अगर अपने नाम की लाज बचानी हो तो मेरे बापे बिहारी मोपे कृपा करो, मेरे बापे बिहारी मोपे कृपा करो, मेरे बापे मोपे कृपा करो, मेरे कुंजे बिहारी मोपे कृपा करो, मेरे बापे बिहारी मोपे कृपा करो, मेरे बापे बिहारी मोपे कृपा करो, मेरे कुंजे बिहारी मोपे कृपा मेरे कुंजे बिहारी मोपे कृपा करो, मेरे मोपे कृपा करो, मेरे कुंजे बिहारी मोपे कृपा करो, कृपा करो प्यारे कृपा करो, कृपा करो प्यारे कृपा करो, कृपा करो प्यारे कृपा करो, रामण बिहारी मोपे कृपा करो, मेरे रामण बिहारी मोपे कृपा करो, मेरे रामण बिहारी मोपे कृपा करो, मेरे रामण बिहारी मोपे कृपा करो। सिर्फ दर्शनों की उठी है अभिलाषा किंतु क्या चाहता हूं, एक बार तेरा दर्शन हो जाए और तेरे दर्शन का फल सहज अवस्था की प्राप्ति। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाओ निश्चय स्वरूप, और तुमसे चाहता क्या हूं, एक बार अपनी सहज अवस्था को प्राप्त कर लूं फिर कोई बात नहीं, तुम्हारे यहां खुश मैं अपने में खुश। सिर्फ दर्शनों की उठी है अभिलाषा किंतु साधन अनेक बात साधना है दूर की, अनेक तरह की साधना उपासना है लेकिन ये मैं आलसी और प्रमादी जीव क्या जानूं, जानता भी हूं तो करता नहीं हूं। इसलिए प्यारे तुम्हारी कृपा की याचना इसीलिए कि मुझसे कुछ काम नहीं हो रहा, पुरुषार्थ नहीं हो रहा, कोई साधना उपासना नहीं हो पा रही, सर्व साधन शून्य हो गए। सिर्फ दर्शनों की उठी है अभिलाषा किंतु साधन अनेक बात साधना है दूर की, दान करो धर्म करो मंदिर बनाऊ दिव्य, दान करो धर्म करो मंदिर
बनाऊं दिव्य, इतनी कहाँ है भला हस्ती मजदूर की, इतनी कहाँ है भला हस्ती मजदूर की। एक ही सरल, एक ही सरल उपाय मिला है बिंदु, एक ही सरल उपाय मिला है बिंदु, शायद इसी से कामना फलेगी क्रूर की, शायद इसी से कामना फलेगी क्रूर की। कौन सी? करूंगा कसूर तो किसी दिन अदालत में प्यारे, करूंगा कसूर तो किसी दिन अदालत में, जाकर ही देख लूंगा सूरत हुजूर की। वाह। करूंगा कसूर तो किसी दिन अदालत में, जाकर ही देख लूंगा सूरत हुजूर की। आप कहोगे कसूर करके अपराध करके मेरी अदालत में आएगा कि यमराज की अदालत में जाएगा? अपराध करेगा तो यमराज की अदालत में जाएगा ना। तो भक्त कहता है प्यारे अपराध करूंगा क्यों, ये तो जानो उन अपराधों का उद्देश्य तुम्हारी प्राप्ति है कि यमराज की नरक अदालत में जाना है। जब तुम्हारे दर्शनों की प्राप्ति के लिए कोई अपराध होगा तो वो अपराध भी कितना हसीन होगा है। और वैसे भी भगत कहते हैं देखो प्यारे क्यों बात बढ़ा रहे हो, देखो तुम्हारे दरबार में सब बढ़िया से बढ़िया, एक से एक, बगल में लक्ष्मण जी, कोई पूछे आपसे भाई भाई कैसा हो, आप बगल में इशारा करोगे भाई लक्ष्मण जैसा हो, भरत जैसा हो पीछे खड़े, सेवक कैसे हो हनुमान जी जैसे आपके सामने ही, सखा कैसे हो बोले विभीषण है सुग्रीव है, यानी जो जितने बढ़िया से बढ़िया अच्छी से अच्छी चीज जो है, अच्छे से अच्छे रिश्तेदार जो भी हैं सब तुम्हारे दरबार के अंदर हाजिर है। लेकिन माफ करना ये दरबार पूर्ण नहीं हुआ, ये अच्छाइयां तो हैं बुराई तो कोई भी नहीं। जैसे 56 भोग हो खाली मिठाई मीठा बने तो 56 भोग नहीं होता, वो उसमें नमकीन भी होता है और मिर्ची भी होती है थोड़ी है? मिर्ची जरा तीखी भी लगे तो भी, लेकिन 56 भोग दबी पूरे जब सारे व्यंजन बने। इसलिए आपका जो दरबार है अभी पूरा नहीं हुआ, आपके पास कोई पूछे भाई कैसा लक्ष्मण जैसा सब सामने है, सेवक हनुमान जैसा, सखा विभीषण सुग्रीव जैसे, कोई पूछे भाई कोई आपके दरबार में पापी भी है कोई अधम भी है तो किसकी तरफ इशारा करोगे? तो सरकार मेरे को रख लो अपने दरबार में। कोई पूछे भाई पापी कैसा हो तो मेरी तरफ इशारा कर देना, तभी आपके दरबार की पूर्ति होगी, इसके अलावा होने वाली नहीं है। इसलिए प्यारे अपने दरबार की पूर्ति करने के लिए मेरे बांके बिहारी मोपे कृपा करो, 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 मेरे रमण बिहारी मोपे कृपा करो, मेरे रमण बिहारी मोपे कृपा करो, कृपा करो प्यारे 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 कृपा करो, कृपा करो करो प्यारे कृपा करो, बिहारी मोपे कृपा करो, बिहारी मोपे
एक बार तुलसीदास जी से किसी ने पूछ लिया कि आपने श्री रामचरितमानस में मुख्यतः चार झांकियों का वर्णन किया है, उन चारों झांकियों में आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सी है। पहली झांकी श्री अयोध्या जी में, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। दूसरी जनकपुरी में श्री रामभद्र धनुष को तोड़ते हुए। तीसरा चित्रकूट में पर्णकुटी में श्री राम जी और सीता जी का विहार। और चौथी छवि लंका के अंदर सुमेरी पर्वत पर, कोई आसन नहीं, पत्थर की शिला पर श्री राम जी बैठे हुए हैं, बगल में हनुमान, सामने हनुमान जी हैं, एक तरफ लक्ष्मण जी एक तरफ विभीषण जी। ये चारों में से कौन सी छवि आपको ज्यादा पसंद है? तुलसीदास जी कहते हुए, मुझे तो वो लंका वाली छवि ज्यादा पसंद है जिसमें श्री रामभद्र राघवेंद्र सरकार पत्थर की शिला पर बैठे हैं। पूछ दिया कि आपको वही छवि क्यों पसंद है, बड़ा मार्मिक उत्तर दिया श्री तुलसीदास जी ने कि भाई अयोध्या है कर्म की भूमि, जहां दशरथ जी ने यज्ञ रूपी कर्म किया और ईश्वर को प्राप्त किया। तो मेरे अंतःकरण में, मेरे जीवन में वो कर्म योग नहीं कि जिससे मैं ईश्वर की प्राप्ति स्वयं कर सकूं कर्मों के माध्यम से, कर्म योगी नहीं मैं, इसलिए ये छवि मुझे सूट नहीं करेगी, रास नहीं आ रही। दूसरी छवि जनकपुरी में श्री राम राघवेंद्र सरकार धनुष तोड़ते हुए है। जनकपुरी को ज्ञान की भूमि कहा गया है, जहां धनुष रूपी अहंकार का तोड़ रहा, ईश्वर तोड़ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे अंतःकरण में वो ज्ञान भी नहीं कि अपने अहंकार का मर्दन मैं अपने आप कर सकूं या ईश्वर आकर करे, मेरे अंदर वो ज्ञान भी नहीं। तीसरी चित्रकूट वाली भूमि, ये भक्ति की भूमि है,
जहाँ ईश्वर भक्ति देवी का श्रृंगार कर रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं, इसलिए ना मेरे जीवन में कर्म योग, ना ज्ञान योग, ना भक्ति योग। चौथी बची अब लंका वाली छवि, इसीलिए पसंद है कि लंका के अंदर जो है, लंका का स्वामी रावण चाहता भी नहीं कि राम अंदर आए। मेरे अंतःकरण में बैठी हुई विषय विकार वासनाएं चाहती नहीं कि सतोगुण या ईश्वर का नाम अंदर आए। या तो प्रभु अपने आप ही जबरदस्ती घुस गए और कब्जा करके बैठ गए, समझे ना, कब्जा करके बैठ गए। इसलिए मुझे जरा संतोष हुआ कि जब लंका में रामचंद्र खुद कब्जा कर जबरदस्ती अंदर घुसकर बैठ गए और लंका पर बाद में विजय प्राप्त की, तो मुझे तसल्ली हो गई। भले मेरे जीवन में कर्म योग ना हो, ज्ञान योग ना हो, भक्ति योग ना हो, लेकिन ईश्वर एक ऐसा करुणा वाला है कि कभी न कभी मेरे अंतःकरण में अपने आप आकर सारी बुराइयों को समाप्त कर देगा। इसलिए ना मुझे अयोध्या बनाने अपने अंतःकरण को, ना जनकपुरी, ना चित्रकूट, लंका तो मेरा अंतःकरण अपने आप बना बनाया, ऑलरेडी तैयार है। और इसमें ईश्वर अगर जबरदस्ती आकर सारे दुर्गुण दुर्विचारों को, दुष्टता को, दुराचार को अगर समाप्त कर देता है तो मेरे लिए सार्थक है। इसीलिए भक्त प्रार्थना कर रहे, प्यारे ये लंका नगरी मेरे अंतःकरण बना हुआ है, अब आ भी जाओ और मेरे जीवन को सार्थक करो। ओ मेरे पाके बिहारी मोपे कृपा करो, मेरे पाके बिहारी मोपे कृपा करो, मेरे पाके बिहारी मोपे कृपा करो, मेरे पाके बिहारी मोपे कृपा करो। बात यह, भक्त पहले तो प्रार्थना कर रहे कृपा करो, फिर कहते देखो महाराज या तो कृपा कर दो वरना। वो कहते हैं हम कलयुगी जीव है, ऐसे नहीं है, कलयुग चल रहा है, कलयुगी जीव है। सीधी उंगली से घी निकले तो ठीक, नहीं तो टेढ़ी करना भी आता है हमारे। अब भक्त भी ठाकुर भी कांपता है, डरता है थोड़ा कि भाई इससे पंगा लेना ठीक नहीं। भक्त कह देता है, दिए हैं निहोर के सुदामा को वो तुमने, क्यों अपनी पोल पट्टी खिला रहे हो, दिए हैं निहोर के सुदामा को वो तुमने, जो पाए धनी भक्तों से रत्न नजराने में। प्यारे क्या दिया सुदामा को, अरे भाई वेदांती तुम्हें माया भी कहते हैं, भक्त तुम्हें कौतुकी कहते हैं, तुम्हारे अंदर वो आर्ट है, वो कौतुक है कि किसी भी चीज को कहीं प्रकट कर सकते हो। क्या दिया सुदामा को, कोई बैकुंठ से गिफ्ट चेक भेजा था या डिमांड ड्राफ्ट भेजा था? अरे तुम्हारे मंदिर में इतने हजारों लाखों भगत आते हैं, कितना चढ़ावा चढ़ा जाते हैं, आभूषण चढ़ा जाते हैं, कौतुकी तो तुम हो, सबका इकट्ठा कर लेते हो, वो इकट्ठा किया हुआ सुदामा को एक साथ में दे दिया, अपनी जेब से क्या दिया तुमने है? दिए हैं निहोर के सुदामा को वो तुमने, जो पाए धनी भक्तों से रत्न नजराने में, जो पाए धनी भक्तों से रत्न नजराने में, गोपियों के चोर चोर रखे थे जो चीर चोर, गोपियों के चोर चोर रखे थे जो चीर चोर, जोड़ दिए द्रौपदी के वसन बढ़ाने में, जोड़ दिए द्रौपदी के वसन बढ़ाने में। अरे सभी जानते हैं द्वारका से खाली हाथ दौड़ कर आए थे, कोई साड़ियों का जहाज भरकर थोड़े लाए थे, लेकिन कौतुकी हो तुम। गोपियों के चोर चोर रखे थे जो चीर चोर, जोड़ दिए द्रौपदी के वसन बढ़ाने में, और काट से कपीश को दिया है ना विभीषण को, कपीश यानी सुग्रीव क्या दिया, अरे उसी के भाई बाली को मारा, किष्किंधा का राज दे दिया,
कोई अयोध्या का राज थोड़े दिया, घर का क्या दिया तुमने। वैसे विभीषण के साथ उसके भाई रावण को मारा, लंका का राज दे दिया। अरे अयोध्या का नहीं दिया, ससुराल का कोई माल दिया हो वो भी नहीं दिया। ना अयोध्या का दिया ना मिथिला का दिया, उसके भाई को मारा उसी का राज दे दिया और दीन बंधु बन के बैठे हो। गांठ से कपीश को दिया है ना विभीषण को, नाथुराम बाख्यात सकल जमाने में। काम है तुम्हारा उलट फेर करने का नाथ, काम है तुम्हारा उलट फेर करने का नाथ। फिर क्यों लगाई देर बिगड़ी बनाने में, काम है तुम्हारा उलट फेर करने का नाथ। फिर क्यों लगाई ने बिगड़ी बनाने में। देखो प्यारे, या तो मेरी बिगड़ी बात बना दो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, सेटलमेंट कर लो, वरना अपनी पोल खुलवाओगे फायदा क्या। और कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट में है क्या, कोई ज्यादा नहीं करना तुम्हें। ओ मेरे बाके बिहारी मो पे कृपा करो, ओ मेरे बाके बिहारी मो पे कृपा करो, मेरे बाके बिहारी मो पे कृपा करो, मेरे बाके बिहारी मो पे कृपा करो।